स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर फिर एक बार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से भोजपुरी के प्रख्यात सुप्रसिद्ध सिंगर अभिनेता रितेश पांडे जी को लेकर हम बना रहे हैं, इस वजह से क्योंकि आज ट्रेंडिंग स्टार रितेश पांडे ही बने हुए हैं। जी हां, उनका एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको बताएं कि गाने का जो टाइटल है वो है हिलोर मारे, टाइटल नाम है हिलोर मारे, और ये आज 28वें नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी हाँ, आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब का उनका लिंक खोल दिया, हालांकि उल्टा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़कर ही बताता हूँ। 28वें नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है रितेश पांडे जी का ये सॉन्ग हिलोर मारे, जिसमें फुल देसी स्टाइल में लोगों को हम डांस करते हुए देख पा रहे हैं। वेव म्यूजिक के साथ इस गाने को रिलीज किया गया है। छोटी सी छलकियां आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत बाला चल रही है। रितेश पांडे की भी एक बहुत ही शानदार एंट्री यहां पर हम देख पा रहे हैं, और देखते ही देखते ये गाना 12 लाख के व्यूज तक पहुंच चुका है। 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, 27,000 लाइक मिले हैं और लगभग 5,000 के आसपास कमेंट भी मिले हैं। इस गाने के बारे में हम आपको थोड़ी सी डिटेल दे दें। एल्बम का नाम है हिलोर माने, सिंगर रितेश पांडे हैं और अंतरा सिंह प्रियंका, इन दोनों ने मिलकर इस गाने को गाया है। लिखा है चंदन यदुवंशी ने, म्यूजिक इस गाने का बनाया है छोटू रावत ने, रिकॉर्डिंग स्वरा स्टूडियो में हुआ है जो कि वाराणसी में है, वीडियो डायरेक्टर हैं सोनू वर्मा वही हैं जिन्होंने रितेश पांडे जी का हेलो कौन सॉन्ग भी बनाया था, वही डायरेक्टर थे, वही हैं सोनू वर्मा, डीओपी हैं सुनील शुक्ला, कोरियोग्राफर हैं अनुज मौर्य, और परिकल्पना की है छोटन पांडे ने, कंपनी का लेबल वेव है, डिजिटल मैगजीन का डिजिटल जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है लोकधुन, और कहीं ना कहीं ये गाना भी लोगों की जहन में बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। रितेश पांडे की हाल ही में शादी हुई है, डॉक्टर श्वेता पांडे से इन्होंने शादी की है, सगाई और शादी की बहुत सारी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई सोशल मीडिया पर। हालांकि पहले से रितेश पांडे जी ने अपनी शादी और सगाई की जानकारी किसी को भी नहीं दी थी, क्योंकि लॉकडाउन में इन्होंने शादी की है और बनारस में शादी की है, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की अगर हम मानते हैं तो 50 से ज़्यादा लोगों को शादी में शामिल होना मनाही है। इस वजह से रितेश पांडे जी ने किसी को खबर नहीं दी, क्योंकि जाहिर है सुपरस्टार एक्टर हैं, सिंगर हैं, शादी की खबर सुनकर ही तमाम फैंस सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाते और कहीं ना कहीं वहां के जो माहौल है वो बिगड़ने की आशंका जताई जा सकती थी। हालांकि रितेश पांडे ने सभी को आकर धन्यवाद भी कहा, शुक्रिया भी कहा बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए। धीरे धीरे बहुत बड़े प्रख्यात नामों में से एक हो चुके हैं रितेश पांडे जी, सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया में भी धमाल कमाल मचाते रहते हैं। आज उन एक्टरों में इन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया है जिनके पास टाइम ही नहीं है। अगर आप किसी फिल्म या गाने का प्रोजेक्ट लेकर इनके पास जाते हैं तो शायद ही आपको एक साल के पहले का कोई डेट इनका मिल जाए, क्योंकि एक साल तक तो इनका पूरा का पूरा डेट जो है वो कब्जे में है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, काम सभी का बंद है, इसके बाद तो काम का बहुत बड़े लेवल पर प्रेशर इन सभी स्टारों के पास आने वाला है। वैसे रितेश पांडे जी के ट्रेंडिंग में आने के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है, ये आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपका इंतज़ार होगा। नमस्कार, हर हर महादेव।